सनसनी। पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र घोषित करो। सरहद पर 7 साल का रिकॉर्ड तोड़ रहा है पाकिस्तान। सरहद पर पाकिस्तान की गोलाबारी में भारत के 4 सैनिक शहीद। कश्मीर में 214 आतंकियों के जनाजे से बौखला गया है पाकिस्तान। 2017 में अब तक 881 बार पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में एलओसी पर कैरी सेक्टर में पाकिस्तान के तरफ से हुई गोलीबारी में भारत के 4 जवान शहीद हो गए। पाकिस्तान की यह हिमाकत दोपहर 12:15 की है, जब कैरी सेक्टर में भारतीय सेना की पेट्रोलिंग टीम पर पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की गई। शहीद होने वालों में महाराष्ट्र के भंडारा जिले के रहने वाले 32 साल के मेजर प्रफुल्ला अंबादास, 30 साल के लांस नायक कुलदीप सिंह पंजाब के भटिंडा के गांव कोरेना के रहने वाले थे। हरियाणा में करनाल के रहने वाले 30 साल के सिपाही परगट सिंह और पंजाब में अमृतसर के रहने वाले 34 साल के सिपाही गुरमेल सिंह शामिल हैं। पाकिस्तान अभी क्योंकि कश्मीर में अभी तोड़फोड़ हो रहा है, इसलिए उनको मालूम है कि पासेस क्लोज हो गई हैं और इसलिए ये सीज़फ़ायर वायलेशन कर रहे हैं। हमारी पेट्रोल पार्टी थी, उसके ऊपर उन्होंने फायरिंग किया, जिसकी वजह से ये घटना हुई है। पाकिस्तान का ये जो सीज़फ़ायर वायलेशन करने का जो तरीका है, ये तरीका बहुत गलत है। हमारी जो आर्मी की पेट्रोलिंग पार्टी है, ये जब पेट्रोल कर रही थी एलओसी के ऊपर, तब पाकिस्तानी आर्मी ने फायर खोला और उसमें हमारे 3 जवान शहीद हो गए। ये बहुत निंदनीय कार्रवाई है और इसका हमारी भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब देगी। इसी हफ्ते लोकसभा में गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने सीज फायर से जुड़े आंकड़ों की जानकारी दी थी। इन आंकड़ों के मुताबिक इस साल 10 दिसंबर तक पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी पर 771 बार और इंटरनेशनल बॉर्डर पर 110 बार युद्ध विराम का उल्लंघन हो चुका है। वहीं पाकिस्तान से सटे जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के अलावा किसी और बॉर्डर से क्रॉस फायरिंग का कोई मामला सामने नहीं आया। कश्मीर में पाकिस्तान की बौखलाहट के पीछे बड़ी वजह है सेना की तरफ से घाटी में आतंकियों को चुन चुन कर मारा जाना। सीज फायर की आड़ में अब तक जो पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ कराता था, उसके लिए बड़ी मुश्किल इसलिए पैदा होने लगी क्योंकि भारत के जवानों ने कश्मीर में इस साल 214 आतंकियों को ढेर किया है और 91 आतंकवादियों को घाटी से पकड़ा गया है। पाकिस्तान ये एक आतंकी राष्ट्र है और पाकिस्तान की हरकतें जो हैं, ये हरकतें अभी बंद होनी चाहिए। इसके खिलाफ पूरी दुनिया में हमने आवाज उठानी चाहिए और पाकिस्तान को एक बहुत कड़ा सबक हमने सिखाने की जरूरत है। हमने दोनों तरफ प्रेशर मेंटेन रखना चाहिए, एक तो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर और दूसरा वैली के अंदर, क्योंकि जो आतंकवादी पहले वैली में घुस गए हैं वो कार्रवाई करेंगे वैली के अंदर और एलओसी के ऊपर, इस प्रकार वायलेशन होता रहेगा, इसलिए दोनों जगह हमने प्रेशर मेंटेन रखना अत्यंत आवश्यक है। आंकड़े बताते हैं कि सीज फायर तोड़ने में पाकिस्तान ने पिछले 7 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जो इस ओर इशारा करता है कि एक तरफ तो पाकिस्तान भारत से बातचीत करने के लिए उतावला है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना अपने नापाक मंसूबों से पीछे हटने वाली नहीं दिखाई दे रही है। भारतीय सेना की तरफ से बताया गया है कि बॉर्डर पर पाकिस्तान ने जो सीज फायर तोड़ा है, उसका जवाब देने में भारत के जवान पीछे नहीं है। पाकिस्तान की पोस्ट पर भारत की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। सनसनी।